हेलो चिल्ड्रन, आज हमें अपनी हिंदी वर्कबुक में वर्क करना है, तो देखिए कौन सा पेज करना है। आज हम करेंगे पेज नंबर 668। इसमें हमें करना है सुलेख, पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड काइंडली मेंशन टुडेज डे, टेक ऑन द क्लास वर्क। सुलेख में आज हमने करना है ड डमरू, अंगा खाली, च चम्मच और ज जहाज। ये चार व्यंजन, इनका हमें बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में सुलेख करना है। तो देखिए डरिया कैसे बनेगा। स्टैंडिंग लाइन, राइट ओपन कर्व, लेफ्ट ओपन कर्व और अपवर्ड्स लेके जाना है। ऐसे ही अंगा खाली, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, राइट ओपन कर करना है, सेकंड ब्लू लाइन और सेकंड ब्लू लाइन से टर्न करते हुए लेफ्ट ओपन कर्व और क्या करना है, अंगा खाली के लिए डॉट लगाना है ब्लू लाइन की थोड़ा सा नीचे, और स्लिपिंग लाइन चार चम्मच के लिए इसको हम सेकंड वाली ब्लू लाइन के थोड़ा सा ऊपर स्लिपिंग लाइन डालते हुए शुरू करेंगे, अपवर्ड्स कर्व बनाएंगे और स्टैंडिंग लाइन स्लिपिंग लाइन। ठीक है, ज जहाज के लिए स्लिपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, सॉरी फिर स्लिपिंग लाइन थोड़ा सा ऊपर मिड वाली ब्लू लाइन पर और अपवर्ड्स कर्व जो थर्ड वाली ब्लू लाइन को टच नहीं करेगा लेकिन सेकंड वाली ब्लू लाइन को क्रॉस करेगा और ऊपर स्लिपिंग लाइन। ठीक है चिल्ड्रन, आप अगर फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से बनाएंगे तो आपको खुद ही जितना आप उसका अभ्यास करेंगे उतना ही आपको बहुत अच्छे से लिखना आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन स्लिपिंग लाइन और आपको अच्छे से इसका अभ्यास करते जाना है, बोलते जाना है ड डमरू, ड डाकिया, अंगा खाली, च चम्मच और ज जग, ज जल। ओके ठीक है, ड डलिया, ड डाकिया, अंगा खाली के लिए डॉट लगाना है, चार चम्मच हम सेकेंड वाली ब्लू लाइन से स्टार्ट करेंगे, स्लीपिंग लाइन अपवर्ड्स कर्व, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन, ज जहाज के लिए स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन अपवर्ड्स कर्व स्लीपिंग लाइन। ऐसे ही आपको बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में ये वर्क करना है। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय।